और गढ़वा जिला स्थित डंडा प्रखंड कार्यालय के स्थानीय ग्रामीण प्रखंड कार्यालय में अपने कार्य के लिए जाते तो है परंतु प्रखंड कार्यालय के चक्कर लगा लगा कर थक जाते हैं परंतु उनका कार्य नहीं हो पाता है। कारण यह है कि गढ़वा प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमार नरेंद्र डंडा प्रखंड के प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी है। संबंधित मामले के बारे में डंडा प्रखंड के जिला परिषद सदस्य अजय चौधरी ने बताया कि वो प्रखंड कार्यालय में सप्ताह में एक दिन आते हैं। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि डंडा प्रखंड को जिस उद्देश्य के साथ निर्माण कराया गया था सरकार का प्रयास विफल है। डंडा प्रखंड इन दिनों भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ चुका है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। उन्होंने कहा कि प्रखंड कार्यालय में प्रखंड विकास पदाधिकारी की उपस्थिति नहीं होने के कारण प्रखंड कर्मी पूरे तरीके से लूट मचाए हुए। देखिए पूरी रिपोर्ट। प्रणाम करता हूँ और आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज डंडा प्रखंड में आप लोगों ने जनता के हाल को जनता तक पहुंचाने के लिए, सरकार तक पहुंचाने के लिए पहल किए हैं, इसके लिए पुनः आप लोगों को धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि गढ़वा प्रखंड विकास पदाधिकारी डंडा प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी के प्रभार में हैं। निश्चित रूप से जो है कि ये समझने वाली बात है कि अगर डंडा में अगर कोई प्रखंड विकास पदाधिकारी अगर परमानेंट अगर होते तो जनता को मिलने में, जनता का काम करने में बहुत ही सहूलियत होता। क्योंकि प्रभार मिलने के बाद में मुझे लगता है कि सप्ताह में बहुत मुश्किल से एकाध दिन आ पाते होंगे। ग्रामीणों से, कुछ ग्रामीणों से बात हुआ, उन लोग बताया कि एक दिन आ, हाँ, बहुत मुश्किल से एकाध दिन आ पा रहे हैं। बाकी बात वो लोग बहाना भी बनाते हैं और कुछ काम का दबाव भी है, इसलिए जनता डंडा का जो है त्राहिमाम है कि यहाँ किसी का कोई सुनने वाला नहीं है। आखिर जो प्रखंड में जो निचले स्तर के जो कर्मचारी है वो अपने द्वारा जो मनमानी कर रहे हो, खास करके मनरेगा योजना में, मनरेगा योजना में तो भैया लूट मजा कर रखा है लोग। मतलब आप देखेंगे कि मनरेगा योजना का लगभग 45% के आसपास जो है लोग लूट मचा कर रखे हुए हैं और इसमें कहीं ना कहीं जो वरीय पदाधिकारी इसमें संलिप्त है और इसकी गुहार आखिर लगाने जाए तो जाए कहाँ। प्रखंड विकास पदाधिकारी यहाँ होते नहीं हैं ताकि अंकुश लगाया जा सके, रोजगार से वो मनमाना काम कर रहे हैं, पर जो जेई हैं वो लोग मजबूर हैं और यहाँ लाभुक जो है किसी न किसी रूप में अपने दाल रोटी को चलाने के लिए 40% 50% भी दे के काम करने कराने पर मजबूर है। जो मुझे लगता है कि इस डंडा प्रखंड के हालात को बयां करने के लिए बहुत ज़्यादा है और यही हाल हर एक विभागों की है। आप अंचल में भी अगर चले जाइए तो यहाँ सीओ नहीं है, सीओ भी प्रभार में है। आप यहाँ जाति, निवास, आय, लगातार आज पूरे देश में जो है कुछ वैकेंसियाँ निकली हुई है और मुझे लगता है कुछ वैकेंसी को देखते हुए लगातार जो है निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र बनाने का भीड़ लगा हुआ। बहुजन समाज पार्टी के जो हम विधानसभा प्रभारी हैं उसके नाते यहाँ की जनता के सवाल को, गढ़वा जिला के सवाल को हम सरकार तक पहुँचाएंगे और सरकार से संघर्ष करेंगे। हमको डरने की आवश्यकता नहीं है और जनता का जो एकदम जिनमिन सवाल है उस पे हम खड़ा है और लगातार इस पे हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और लगातार संघर्ष करते रहेंगे। और मुझे लगता है कि जिस तरीका से जनता का धोखा देने के लिए ये सरकार काम कर रही है, निश्चित तौर पे आने वाला जो आम चुनाव होंगे 2024 का, उसमें इनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद।